एग्जाम्पल नंबर थ्री से स्टार्ट कर रहे हैं। एग्जाम्पल नंबर थ्री है, अ वुडन टॉय रॉकेट इज इन द शेप ऑफ कोन माउंटेड ऑन अ सिलेंडर एज शोन इन फिगर। तो एक वुडन रॉकेट है जिसमें एक कोन है जो एक सिलेंडर के ऊपर माउंट है। द हाइट ऑफ द एंटायर रॉकेट इज 26 सेंटीमीटर, टोटल हाइट बता रहे 26 सेंटीमीटर जो हमने नोट करी है। व्हाइल द हाइट ऑफ द कॉनिकल पार्ट इज 6 सेंटीमीटर, और जो कॉनिकल पार्ट है वो उतना है 6 सेंटीमीटर। द बेस ऑफ द कॉनिकल पोर्शन हैज अ डायमीटर ऑफ 5 सेंटीमीटर, और ये जो कोन था उसका बेस है उसका डायमीटर है 5 सेंटीमीटर। मतलब ये पूरा अगर हमें इसका डायमीटर पता है तो रेडियस निकाल सकते हैं हम 5/2 सेंटीमीटर। व्हाइल द बेस डायमीटर ऑफ द सिलेंड्रिकल पोर्शन इज 3 सेंटीमीटर, और बेस डायमीटर ऑफ सिलेंड्रिकल पोर्शन मतलब इसका जो डायमीटर है जो ऊपर नीचे सेम रहेगा वो 3 सेंटीमीटर है, तो इसका भी रेडियस निकाल सकते हैं। अब इन दोनों के रेडियस में हमको डिफरेंस देखना है, तो ऐसा करते हैं एक में या तो कैपिटल यूज कर लेते लेटर या डैश लगा लेते। सिलेंडर के लिए डैश लगा लिया हमने यहाँ पे। इफ द कॉनिकल पोर्शन इज टू बी पेंटेड ऑरेंज एंड द सिलेंड्रिकल पोर्शन इज येलो, फाइंड द एरिया ऑफ रॉकेट पेंटेड विद ईच ऑफ दिस कलर। हमें बताना है कि अगर इन दोनों को अलग अलग ऑरेंज और येलो कलर से पेंट किया जाए तो कितना एरिया पेंट करना पड़ेगा। तो इसके लिए हमें इसका कर्व सरफेस एरिया निकालना पड़ेगा जिसमें एल का यूज होता है, एल है नहीं है और एच तो है हमारे पास, तो ये आराम से निकाल लेंगे हम। और इस सिलेंडर के लिए देखें तो यहाँ पे भी एच का यूज होगा जो दिया नहीं है, तो हम इसके थ्रू निकाल सकते हैं एच ऑफ रॉकेट में आ रहा है एच ऑफ कोन प्लस एच ऑफ सिलेंडर जो कि टोटल 26 सेंटीमीटर। अब एच ऑफ कोन 6 है प्लस एच ऑफ सिलेंडर हमने डैश से शो किया है इसलिए एच डैश 26 इधर जाएगा माइनस में, तो 26 में माइनस होगा तो एच डैश की वैल्यू आ जाएगी 20 सेंटीमीटर। अब हमारा काम बन जाएगा, अब हमें एल और निकालना है बस। तो लिखे हम फोर कोन स्लेंट हाइट इक्वल टू अंडर रूट एच स्क्वेयर प्लस आर स्क्वेयर। अंडर रूट एच हाइट है कोन की 6 का स्क्वेयर प्लस आर, आर आ रहा है कोन के लिए 5/2 मतलब 2.5 का स्क्वेयर। सोलो करें 6 का स्क्वेयर 36, 2.5 को होता है 6.25, इसे प्लस करें तो आ जाएगा 42.25 और ये होता है 6.5 का स्क्वेयर, तो स्लेंट हाइट हो जाएगी 6.5 सेंटीमीटर। अब निकाल लेते हैं। सबसे पहले हमें बोला था ये वाला कोन वाला पोर्शन पेंट करेंगे तो वो है ऑरेंज कलर से, तो कितना हिस्सा पेंट कर रहे हैं हम। सबसे पहले तो ये पूरा जो कट सरफेस एरिया है कोन का वो पेंट करेंगे, तो सी एस ए ऑफ कोन प्लस, अब देखो इतना हिस्सा सिलेंडर का है उसने तो ढक लिया है इस कोन के इतने हिस्से को, तो बचा हुआ हिस्सा मतलब बेस एरिया में से ये सिलेंडर का एरिया माइनस करना पड़ेगा, सिलेंडर का बेस बोल सकते हैं हम इसे, वो माइनस करना पड़ेगा मतलब प्लस बेस एरिया ऑफ कोन माइनस बेस एरिया ऑफ सिलेंडर। तो सी एस एफ कोन होता है पाई आर एल प्लस बेस एरिया हो जाएगा पाई आर स्क्वेयर, और सिलेंडर का बेस एरिया भी पाई आर स्क्वेयर होगा बट यहां पे रेडियस है आर डैश का स्क्वेयर। पाई आर कॉमन निकाल लें तो 22/7 बाहर निकाल लिया। आर यहां पे आर की वैल्यू है 5/2 मतलब 2.5 इंटू एल की वैल्यू 6.5 प्लस आर स्क्वेयर, और आर स्क्वेयर है 2.5 इसका स्क्वेयर माइनस पाई बार निकल जाए आर डैश है, यू मत सोचना आर भी कॉमन निकल रहा है, ये यह आर यहाँ पे आर नहीं है यहाँ पे आर डैश है, और इसकी वैल्यू है 3/2 मतलब 1.5 का स्क्वेयर। टोटल सोल्व करें इसे तो 20.25 के आसपास इसका आंसर आ रहा है। अब यहाँ पे 7 से कट तो पा नहीं रहा है, इस कारण से ज्यादा अच्छा होगा कि यहाँ पे हम 3.14 रख लेते, इससे फायदा होगा कि डायरेक्ट मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, अगर 7 से डिवाइड करोगे तो पॉइंट के पास और नंबर बढ़ेगा, और ज्यादा नंबर बढ़ेगा और हमें डिवाइड रोकना पड़ेगा, तो अप्रोक्सीमेशन में भी अप्रोक्सीमेशन का आंसर आएगा।
और उस कारण से आंसर थोड़ा सा दूर हो जाएगा, इसलिए 3.14 रख लेते, ज्यादा सही रहेगा। इसको 16 कर ले, मल्टीप्लाई कर ले, आंसर आएगा 63.585 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये इतना एरिया हो जाएगा जो ऑरेंज पेंट करना है। अब निकाले ऐसा एरिया जो येलो पेंट करना है। तो इसके अंदर हम देखें तो कलर सरफेस है जो सिलेंडर तो आ रहा है, इतना इतना तो पेंट करना ही करना है, प्लस इसका एक बेस एरिया भी आ रहा है। अब देखो इसका बेस एरिया तो ढक चुका है कोन की वजह से, तो केवल एक बेस एरिया आ रहा है। तो सी एस एफ सिलेंडर होता है 2πRH। अब यहाँ पे सिलेंडर के लिए आर डैश बोला था, और इसी एच डैश प्लस इसी का बेस एरिया है पाई आर डैश का स्क्वायर। अब यहाँ पे पाई और आर डैश दोनों कॉमन निकल सकते हैं, और आर डैश की वैल्यू आ रही है हमारे पास में 3/2 मतलब 1.5। ब्रैकेट में बचेगा यहाँ 2, यहाँ पे बचेगा एच डैश जिसकी वैल्यू है 20, प्लस यहाँ पे एक अकेला आर बचेगा आर डैश उसकी वैल्यू है 1.5, फिर से इसकी वैल्यू 3.14 रख लेते ताकि डिवाइड करने में परेशानी जो होगी वो नहीं होगी हमें। 1.5 मल्टीप्लाई 22 जा 40 प्लस 1.5, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो आंसर आ रहा 4.71, इन दोनों को प्लस करें तो आंसर आ रहा 41.5। अब इन दोनों को फाइनली मल्टीप्लाई कर ले तो हमारा लास्ट आंसर आ जाएगा जो कि है 195.465 और यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर लगा देंगे। तो ये एरिया हो जाएगा जो येलो पेंट करना है। ओके, अब कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6 जिसमें दिया है अ मेडिसिन कैप्सूल इज इन द शेप ऑफ अ सिलेंडर विद टू हेमिस्फीयर्स स्टक टू ईच ऑफ इट्स एंड। एक कैप्सूल के बारे में बोला है जो सिलेंड्रिकल फॉर्म में जिसके दोनों साइड में हेमिस्फीयर लगा रखे। द लेंथ ऑफ द एंटायर कैप्सूल इज 14 mm, टोटल लेंथ है 14 mm, एंड द डायमीटर ऑफ द कैप्सूल इज 5 mm, और डायमीटर है कैप्सूल की 5 mm। फाइंड इट्स सरफेस एरिया, इसका सरफेस एरिया फाइंड करना है। सरफेस एरिया फाइंड करने के लिए देखें तो हमें जितने भी फिगर है उनकी जो डायमेंशन है वो चाहिए। अब हमें कैप्सूल की डायमीटर पता है 5 mm, तो इसी के थ्रू हम कह सकते हैं कि यही डायमीटर हो जाएगी हेमिस्फीयर की, एंड सेम यही डायमीटर हो जाएगी सिलेंडर की 5 mm, तो दोनों की रेडियस बराबर हो जाएगी। तो रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर एंड सिलेंडर 5/2 mm हो जाएगी। तो इससे हेमिस्फीयर के लिए जो निकालना है वो तो निकल जाएगा। अब हमें निकालना है सिलेंडर के लिए, उसकी भी रेडियस हमें मिल चुकी है तो हमें हाइट की जरूरत है, और हाइट की जरूरत है तो टोटल लेंथ को अगर हम ध्यान से देखें तो टोटल लेंथ हमें एक तो हेमिस्फीयर की रेडियस आ रही है और इधर से भी एक हेमिस्फीयर की रेडियस आ रही है। इसका मतलब इसको आगे देखें तो हम लिख सकते थे 2 × रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर प्लस इसमें बीच का एरिया बच रहा है जो कि लेंथ सिलेंडर की या हाइट ऑफ सिलेंडर, ये टोटल 14 mm हो रहा है। तो 2 × रेडियस हेमिस्फीयर की 5/2 प्लस हाइट सिलेंडर की पता नहीं है इक्वल टू 14। सोलो करें 2 से 2 कट जाएगा 5, यहाँ पे प्लस में इधर जाएगा माइनस में, तो एच इक्वल टू हो जाएगा 14 - 5 मतलब कि 9 mm। अब हमें टोटल फिगर का सरफेस एरिया निकालना है तो हम लिख सकते हैं सरफेस एरिया ऑफ कैप्सूल इक्वल टू, हमें देखना पड़ेगा सरफेस एरिया कौन सा वाला, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। कैसे, केवल इतना इतना यूज आ रहा है हेमिस्फीयर का, ये वाला पार्ट तो अंदर की साइड ये यूज नहीं आएगा सरफेस एरिया में, और ऐसे दो हेमिस्फीयर है इसलिए 2 × प्लस ये जो सिलेंड्रिकल फॉर्म में है इसका भी कर्व्ड सरफेस एरिया यूज हो रहा है, इसका आंसर सीएसए ऑफ सिलेंडर। सीएसए ऑफ हेमिस्फीयर होता है 2πR² प्लस सीएसए ऑफ सिलेंडर है 2πRH
दोनों की रेडियस बराबर है इसलिए अलग अलग नाम भी नहीं दिया। 2 मल्टीप्लाई 2 4 हो जाएगा। आर की वैल्यू आ रही है 5/2, पाई को 22/7 रख ले, आर की वैल्यू 5/2 है तो 5/2 × 5/2 हो जाएगा स्क्वायर के फॉर्म में, प्लस 2 × पाई 22/7 इंटू आर सेम 5/2 इंटू एच, और एच की वैल्यू आई थी 9 mm। अब कॉमन निकाल लेते पहले, ये कट रहे से काटते थे 2 × 2 = 4 और यहाँ पे 2 कट जाएगा, और ऐसे यहाँ पे भी 2 कट जाएगा। अब कॉमन है 22/7 इंटू 5, यहाँ पे बच गया है 5 और यहाँ पे बच गया है 9। 5 × 9 = 14 होता है। यहाँ पे ये आपस में डिवाइड तो हो नहीं रहे, इन्हें मल्टीप्लाई कर लेते हैं। इन दोनों का मल्टीप्लाई होता है 110/7, 7 से कट जाएगा 14 2 टाइम, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो 220 सेंटीमीटर। अच्छा ये mm थी इसकी यूनिट, इसलिए ध्यान रखना mm स्क्वायर, ये टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा कैप्सूल का। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 है। अ टेंट इज द शेप ऑफ द सिलेंडर सरमाउंटेड बाय अ कॉनिकल टू। एक टेंट जो सिलेंडर शेप में और सरमाउंटेड बाय एक कॉनिकल टॉप के थ्रू। इफ द हाइट एंड द डायमीटर ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट आर 2.1 मीटर एंड 4 मीटर रेस्पेक्टिवली। तो हाइट 2.1 मीटर है और डायमीटर 4 मीटर है, इसका मतलब वैसे भी प्रैक्टिकली देखो टेंट को तो वो चौड़ा ज्यादा होगा हाइट के मुकाबले, ताकि उसमें लोग रह सके या बैठ सके, तो इसकी डायमीटर ज्यादा है। फिगर में ऐसा लग नहीं रहा, पर रियलिटी में ऐसा होगा इसके हिसाब से। इन द स्लेंट हाइट ऑफ द टॉप इज 2.8 मीटर, ये 2.8 है। फाइंड द एरिया ऑफ कैनवास यूज्ड फॉर मेकिंग द टेंट। हमें एरिया ऑफ कैनवास निकालना है। उसके बाद आल्सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ द कैनवास ऑफ द टेंट एट द रेट ऑफ ₹500 per meter। उसके बाद रेट के हिसाब से हमें कॉस्ट भी निकालना पड़ेगा। तो अगर इसे बनाया गया होगा तो इसमें एक सीएसए की जरूरत पड़ी होगी सिलेंडर के, ऐसे सीएसए की जरूरत पड़ी होगी कौन के, और फार्मूले के हिसाब से देखें हमारे पास क्या चीज है और क्या चीज नहीं है। इसका फार्मूला हो जाएगा 2πRh। तो इसकी रेडियस डायमीटर ऑफ सिलेंडर है हमारे पास, तो निकाल पाएंगे रेडियस ऑफ सिलेंडर। अच्छा ये ही हो जाएगी रेडियस ऑफ कौन, क्यों, क्योंकि इसके ऊपर सरमाउंटेड है ये, इस कारण से। तो वो हो जाएगी 4/2 मतलब 2 मीटर। अब स्लेंट हाइट है πRh के लिए, आर भी है इसकी और इसकी भी है, तो कर लेते हैं। सो सरफेस एरिया ऑफ टेंट इक्वल टू सीएसए ऑफ सिलेंडर प्लस सीएसए ऑफ कोन। सिलेंडर का सीएसए होता है 2πRh, कोन का हो जाएगा πRL। कॉमन हम πR निकाल सकते हैं, एक बार वैल्यू रख लेते 2 × π की वैल्यू 22/7 इंटू आर की वैल्यू, आर दोनों का सेम है इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 2 × h की वैल्यू, h दिया है हमें सिलेंडर का 2.1 प्लस π 22/7 इंटू आर, आर की वैल्यू है 2 प्लस इंटू एल 2.8। हाँ कॉमन निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी, चाहे तो यहीं पे कट रहा है तो काट दो, क्योंकि ये 21 या 2.1 कट जाएगा तो 0.3 आंसर आ जाएगा, और यहाँ पे 7 कट जाएगा 2.8 से तो 0.4 आंसर आ जाएगा। अब कॉमन निकल रहा है 22 × 2, ये कॉमन निकल जाएगा, कैलकुलेशन थोड़ा सा छोटा हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे 2 × 0.3 बच जाएगा जो हो जाएगा 0.6 प्लस, यहाँ ये दोनों कॉमन बाहर निकल गए तो 0.4 बचा। अब देखो थोड़ा काफी ज्यादा हो गया थोड़े के बजाय, सिंपल 22 × 2 हो जाएगा 44, 0.6 प्लस 0.4 करेंगे आंसर आएगा 1 मतलब 44 मीटर स्क्वायर, ये सरफेस एरिया हो जाएगा टेंट का। अब कॉस्ट निकालना था, तो कॉस्ट ऑफ मेकिंग इक्वल टू एरिया मल्टीप्लाई रेट, और एरिया आ रहा था 44 इंटू रेट है 500, मल्टीप्लाई करें तो 00 सेम ऐसे कैसे 5 × 4 = 20 रुपीज में, ये टोटल कॉस्ट हो जाएगा इस टेंट को बनाने के लिए। ओके